मूवी की शुरुआत में हम नोबिता को देखते हैं जो एक डिटेक्टिव बन गया था, पर जैसे ही वो चोर को पकड़ने के लिए जंप करता है तो उसकी नींद खुल जाती है और उसकी ऐसी हालत देखकर जियानो और सुनी उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और नोबिता रोते हुए अपने घर की तरफ भागने लगता है। वहीं हम डोरेमोन को देखते हैं जो सो गया था, तभी उसके रूम में एक पर्चा आकर गिरता है और उसी समय नोबिता भी वहाँ पहुंचकर डोरेमोन करने लगता है, पर सोने के कारण डोरेमोन उसकी बात नहीं सुन पाता। अब नोबिता उसी आए हुए पर्चे को देख ही रहा था, तभी उसकी मॉम उस रूम में आ जाती है और क्योंकि इस वक्त नोबिता के हाथ में उसका टेस्ट भी था, इसीलिए उसे छुपाने के चक्कर में नोबिता उस पर्चे को भी अपनी जेब में रख लेता है और बहाना बनाकर नीचे चले जाता है। तब हम डोरेमोन को सोते हुए देखते हैं, तभी एक अनजान हेड आकर उसकी बैल चुरा कर गायब हो जाता है और जैसे ही डोरेमोन को पता चलता है कि उसकी बैल चोरी हो गई है तब वो बहुत परेशान होने लगता है और नोबिता को सारी बात बताता है। तब नोबिता उससे पूछता है कि तुम नई बैल भी ले सकते हो तो तुम्हें वही क्यों चाहिए। जवाब में डोरेमोन बोलता है कि तुम उस बारे में मत पूछो, बस मुझे मेरी बैल ढूंढने में मदद करो। तब सीन पास्ट में जाता है जहां हम देखते हैं कि डोरेमोन की बैल खराब हो गई थी, इसलिए वो 22nd सेंचुरी गया था, जहां गैजेट स्टोर का वर्कर उसे बताता है कि ये बैल सही करवाने में नई बैल खरीदने से 5 गुना ज्यादा खर्चा आएगा, पर फिर भी डोरेमोन उसी बैल को सही करने को बोलता है। जब सीन पास्ट में आता है तो नोबिता डोरेमोन की मदद करने के लिए मान जाता है और वो दोनों उस बैल को ढूंढने का डिसाइड करते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करें। तब नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जो मुझे डिटेक्टिव बना दे। इस पर डोरेमोन उसे अपनी पॉकेट से एक डिटेक्टिव सूट और उसके इक्विपमेंट्स दे देता है और जब नोबिता डिटेक्टिव के मैग्नीफाइंग लेंस में देखकर चोर की लोकेशन का पूछता है तो उसे उसमें एक हवा में उड़ती हुई बिल्डिंग दिखती है, जिसे देखकर डोरेमोन बताता है कि 22nd सेंचुरी का गैजेट म्यूजियम है। ये सुनकर नोबिता सोचने लगता है कि किसी ने 22nd सेंचुरी से आकर डोरेमोन की बैल क्यों चुराई। ऐसे सोचते हुए वो अपनी हैट हिलाता है और तभी उसके दिमाग में फैंटम ड्यूलक्स का नाम आता है। तब डोरेमोन उसे बताता है कि ये हैट पहनने वाले को मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए बहुत मदद करती है और वो दोनों गैजेट म्यूजियम जाने के लिए डोरेमी से वहाँ की टिकट मंगाते हैं और अपने बाकी सभी साथियों को इस बारे में बताकर उन्हें भी अपने साथ 22nd सेंचुरी में ले जाते हैं और डायरेक्ट उसी म्यूजियम में उतरते हैं। इसके बाद वो वहाँ कुरुज, जो वहाँ पर टूरिस्ट गाइड का काम करता था, उससे और वहाँ के डायरेक्टर फिक्स से मिलते हैं। अब जब वो उन्हें फैंटम ड्यूलक्स के बारे में बताते हैं तो फिक्स बहुत डर जाते हैं और बताते हैं कि फैंटम ड्यूलक्स ने यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे गार्ड्स को मारकर एक बिगलेट चुरा ली है। ये सुनकर डोरेमोन को कुछ समझ नहीं आता। तब फिक्स डोरेमोन की मदद करने के लिए वहाँ के सर्विस सिस्टम को चेक करने जाता है ताकि उसे थोड़ी मदद मिले और डोरेमोन और बाकी सब कुरुज के साथ म्यूजियम घूमने लगते हैं, जहाँ उन्हें बहुत बड़ा एनीवेयर डोर दिखता है जो कुरुज के ग्रैंडफादर हरुटो मैन ने ही बनाया था। ये जानकर सब बहुत शॉक होते हैं। इसके बाद वो जाकर म्यूजियम की अलग अलग जगह को देखने लगते हैं, जहाँ उन्हें बहुत कमाल के गैजेट्स दिखते हैं। तभी एक जगह पर एक रोबोट नोबिता से एक पॉन्ड में फिशिंग करने को बोलता है। तब डोरेमोन और नोबिता दोनों फिशिंग करने लगते हैं, पर उसी दौरान नोबिता एक टर्टल को पकड़ता है जो धोखे से डोरेमोन की पॉकेट में घुस जाता है और अब जैसे ही डोरेमोन अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो वो टर्टल उसे काट लेता है। इसी वजह से डोरेमोन अब अपने गैजेट भी यूज नहीं कर पाता। इसके बाद कुरुत उन्हें एक चैम्बर दिखाता है जिसमें गार्ड रोबोट रखा हुआ था जो बहुत ताकतवर था और उसे म्यूजियम के चोरों को पकड़ने के लिए पहले इस्तेमाल में लिया जाता था, पर इसके हमले बहुत ज्यादा ही ताकतवर होते थे जिस वजह से उसे एक चेन से बांधकर उस चैम्बर में डाल दिया गया था। इसके बाद वो और जगह घूमने लगते हैं, तभी कुरुत को उसकी वॉच से आवाज आती है जिसमें से एक लड़की उसे जल्दी से रूम में बुलाती है, इसलिए कुरुत टॉयलेट का बहाना बनाकर वहां जाने लगता है और वो भागता हुआ छुपकर एक सीक्रेट रूम में रहता है जहाँ डॉक्टर पेपूर अपने ग्रैंड डॉटर जिंजर के साथ छुप कर रहते थे। इसका कारण हमें बस कुछ ही देर में पता चलेगा। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जियानो और सुनियो म्यूजियम घूमते घूमते गुलीवर टनल्स में घुस जाते हैं जिस वजह से वह बहुत छोटे हो गए थे। तभी वहाँ कुछ वर्कर्स आकर गुलीवर टनल्स को उठाकर ले जाते हैं और उनका पीछा करते करते जियानो और सुनियो एक पाइप में गिर जाते हैं और इधर उधर की जगह को देखने लगते हैं। वहीं डोरेमोन और बाकी सब भी जियानो और सुनियो को ढूंढते हुए वैक्यूम क्लीनर की मदद से एक सीक्रेट रास्ता ढूंढ लेते हैं, जहाँ नीचे गिरते ही उन्हें जिंजर बाहर निकलती हुई दिखती है और वो सब भी एक दूसरे को देखकर बहुत डर जाते हैं और जिंजर तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। वहीं हम जियानो और सुनियो को देखते हैं जो वेंटिलेशन पाइप्स के एक रूम में पहुँचते हैं, जहाँ फिश उन्हें कुछ अजीब करता दिखता है और उन्हें लगता है कि फिश की ड्यूलक्स है जिस वजह से वो बहुत डर जाते हैं।
वहीं नोबिता, शिज़ुका और डोरेमोन एक हॉल में पहुंचते हैं जहां एक बहुत बड़ी मशीन रखी हुई थी। तभी वहां अलार्म बजने लगता है जिस वजह से तुरंत वहां फिस्क आ जाता है। पर जैसे ही वो उन तीनों को वहां पर देखता है तो तुरंत अलार्म बंद करता है, साथ ही उस मशीन के बारे में भी बताता है जिसके ऊपर डॉक्टर हरोटोमैन और डॉक्टर पैपुरा काम कर रहे थे। तब डॉक्टर पैपुरा ने डॉक्टर हरोटोमैन के साथ एक्सपेरिमेंट करते करते उस पर कॉफी गिरा दी थी जिस वजह से एक सन बन गया जिसका साइज बढ़ने लगा। तब डॉक्टर पैपुरा को इस वजह से शहर से निकाल दिया और जब हरोटोमैन ने सन की जाँच करी तो उन्हें वहाँ एक नया मेटल मिला जो उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से बन गया था और उसी की मदद से उन्होंने एक कवच बनाया जो सन की गर्मी और साइज को रोक सकता था। और उसके बाद ही उन्होंने उस मेटल से सारे गैजेट्स बनाए और आजकल के सभी गैजेट्स में उस मेटल का यूज होता है। तभी वहाँ कुरुत आ जाता है और फिक्स उसे बहुत डांटता है। अब वो उसे डांट ही रहा था तभी वेंटिलेशन पाइप से जान और सिरो निकलते हैं जो अभी भी छोटे थे। उन्हें ऐसे देखकर डोरेमोन फिर से अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और टर्टल उसे फिर से काट लेता है, इसलिए जान और सुनियो को छोटा ही रहना पड़ता है। तभी फिक्स उन्हें बताता है कि म्यूजियम बंद होने वाला है, इसलिए प्लीज आप कल आकर बेल ढूंढ लेना और तब तक आप कुरुत के घर में रुक सकते हो। इस पर सब मान जाते हैं और बहुत खुश होकर कुरुत के घर जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में जान और सुनियो सबको फिक्स के बारे में बताने की सोचते हैं। पर उन्हें लग रहा था कि कुरुत भी उनके साथ मिला हो सकता है, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बोलते। अब जब वो कुरुत के घर पहुँचते हैं तो बहुत शौक हो जाते हैं क्योंकि उसने भी बहुत सारे इन्वेंशन कर रखे थे और वो भी बिना हरोटोमैन के मेटल के। तब वो कुरुत के सभी गैजेट्स को देखते हैं पर वो मेटल्स के यूज वाले गैजेट्स के मुकाबले परफेक्ट नहीं थे। तभी वहाँ पॉपेन आता है जिसे भी कुरुत ने धोखे से बना दिया था। अब जब वो सारे खाना खा रहे होते हैं तो पॉपेन सामने रखा खाना एब्जॉर्ब करके खुद खा लेता है, जिस पर कुरुत उन्हें बताता है कि वो किसी ऐसे गैजेट पर काम कर रहा था जो किसी भी चीज को ऑब्जॉर्व करके डबल कर दे। पर उससे पॉपेन बन गया जो चीज़ों को ऑब्जॉर्व करता तो है पर उन्हें खुद ही खा जाता है। ये जानकर सब बहुत हंसते हैं। अब रात में जब सब सो रहे होते हैं तो डोरेमोन नहीं सोता और सोचने लगता है कि जब वो नोबिता से पहली बार कैसे मिला था और उसे कुछ दिन बाद जब वो दोनों पार्क में खेल रहे थे तभी नोबिता बोलना पकड़ पाने की वजह से हार मानने लगता है। इसी वजह से डोरेमोन और उसकी हाथापाई होने लगती है और इसी बीच डोरेमोन की बेल्ट टूटकर पास के नाले में घुस जाती है, जिसे देखकर नोबिता तुरंत उस नाले में कूदकर उसकी बेल्ट को ढूंढने लगता है जिसमें वो काफी गंदा भी हो जाता है। और जब शाम तक भी उन्हें ढूंढने पर कुछ भी नहीं मिलता तो डोरेमोन उसे समझाने लगता है कि बेल्ट को छोड़ दो। इसे सुनकर नोबिता रोते हुए उससे माफी मांगता है और जब वो अपने जूते वापस पहनने लगता है तो उसे उसके जूते में वो बेल्ट मिल जाती है जो कीचड़ की वजह से उसी के साथ उसके जूते पर गिर गई थी। उसे देखकर डोरेमोन और नोबिता बहुत हंसते हैं और उस दिन डोरेमोन को एहसास होता है कि नोबिता उसका कितना अच्छा दोस्त है और इसी वजह से भी वो बेल उसके लिए कितनी कीमती थी। तभी नोबिता की आँख खुलती है और वो टॉयलेट करने जाता है, पर जब वो वापस आ रहा होता है तो वो कुरुत को कुछ करते देखकर उसके पास जाता है जहाँ कुरुत अपनी लैब में कुछ बना रहा था। तब वो दोनों पूरी रात बैठकर बातें करने लगते हैं और अगले दिन जब वो म्यूजियम जाते हैं तो वहाँ बहुत भीड़ थी। तब उन्हें फिक्स से पता चलता है कि यहाँ आज ड्यूलक्स चोरी करने वाला है और उसने इस चीज़ का मैसेज भेजा था। ये सुनकर वो बहुत शौक होते हैं। तब डोरेमोन बोलता है पर मुझे तो बेल के टाइम पर ऐसे कोई मैसेज नहीं मिला। तब नोबिता उससे वही व्हाइट पेपर दिखाता है जिसमें से ड्यूलक्स का होलोग्राम निकलकर चोरी के बारे में बताता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डोरेमोन और बाकी सब डिसाइड करते हैं कि वो म्यूजियम में चोरी नहीं होने देंगे, इसलिए वो वहाँ पहरा देने लगते हैं जिसमें उनकी मदद वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स भी करते हैं। अब जब वो पहरा दे ही रहे होते हैं तभी फिक्स को कुछ काम याद आता है और वो कहीं चला जाता है और जैसे ही एक मिनट बचता है तभी कुरुत भी टॉयलेट का बहाना बनाकर चला जाता है और उसके कुछ ही समय में वो वापस भी आ जाता है। पर अब तक फिक्स वापस नहीं आया था। तभी टाइम भी हो जाता है जब ड्यूलक्स आने वाला था। तभी हम फिक्स को देखते हैं जो कंप्यूटर में एक बटन दबाता है और तभी बाहर पुलिस ऑफिसर पर कुछ गर्ल्स बीन्स हमला कर देती हैं और उनका मेन ऑफिसर भागकर सीधा डोरेमोन के पास आता है। तभी वहाँ ड्यूलक्स भी आ जाता है और उनसे लड़ाई करने लगता है जिसमें डोरेमोन और बाकी सब मिलकर उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो उसे रोक नहीं पाते और वो उनकी आंखों में धूल झोंक कर वहाँ से भाग जाता है। अब उसकी जाते ही वहाँ फिक्स आ जाता है जो बताता है कि ड्यूलक्स ने सभी डोर्स बंद कर दिए थे इसलिए वो पहले नहीं आ पाया। इसके बाद नोबिता अपने डिटेक्टिव वाले सूट को यूज करता है और उसके दिमाग में आता है कि उन सभी गैजेट्स जो चोरी हुए हैं उनकी रिपेयरिंग डेट चेक करी जाए। जब ऐसे करा जाता है तो उन्हें पता चलता है कि वो सभी गैजेट सेम डेट को रिपेयर हुए थे और साथ ही डोरेमोन की बेल्ट भी उसी दिन रिपेयर हुई थी। तभी ऑफिसर बताता है कि उस दिन पैपुरा को भी पकड़ा गया था
उस जगह जहाँ गैजेट रिपेयर होते हैं वहाँ कुछ बना रहा था। ये सुनकर सब समझ जाते हैं कि पेपुरो का हाथ इसमें है। अब नोबिता फिर से अपना गैजेट यूज करता है और उसे एक सीक्रेट डोर मिल जाता है जो उसे सीक्रेट रूम की तरफ जाता था। अब वो उसके अंदर जा ही रहे थे तभी वहाँ पोप आना जाता है, पर वो क्रूज के पास में जाकर शिनोगा के पास जाता है। इसके बाद वो सारे आगे बढ़ने लगते हैं, पर जैसे ही पेपुरा को ये पता चलता है तो वो उनके रास्ते में एक दीवार खड़ी कर देता है और वहाँ एक रोबोट भेज देता है जो किसी को भी पत्थर में बदल सकता था। तब मिलकर उससे लड़ने लगते हैं और थोड़ी देर लड़ने के बाद शिनोगा उसके सामने एक मिरर कर देती है जिस वजह से उसकी बीम उसपे लग जाती है और वो पत्थर का बन जाता है। अब जब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो नोबिता को क्रूज का डिवाइस मिलता है जो हर म्यूजियम में सबके पास था, जिससे वो अपनी और अपने क्लाइंट्स की लोकेशन देख सकते थे। वहीं हम ऑफिसर को देखते हैं जो उस बीम की मदद से पता लगाता है कि फिक्स ने ही उन पर हमला करवाया था, इसलिए वो तुरंत उसके पास पहुंचता है। अब हम फिर से नोबिता और बाकी सबको देखते हैं जो आगे बढ़ रहे थे। तभी वहाँ ड्यूलक्स आ जाता है जिसे देख कर नोबिता उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया है, इसलिए तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है। तब जियान और सुनियों को लगता है कि वो फिक्स ही है, पर नोबिता उन्हें बताता है कि ये कुरुत है, जिसे सुनकर सब शॉक में आ जाते हैं। तब नोबिता कुरुत के पास जाकर उसकी नोज को प्रेस करता है जिससे वो तुरंत एक क्लोन रोबोट में बदल जाता है और सबको पता चल जाता है कि अब तक वो जिसके साथ थे वो एक क्लोन था। तब कुरुत अपने असली रूप में आता है और उनसे सॉरी बोलता है और बोलता है कि पेपुरा एक मेटल पर काम कर रहा है जिससे और अच्छे गैजेट्स बन सके, और साथ ही अब हरुटोमान मेटल खत्म हो रहा है। और उस दिन रिपेयर फैक्ट्री में जब उसे पुलिस पकड़ने आई तो उसने नए मेटल का मेकिंग फॉर्मूला ही चिप्स की फॉर्म में तुम लोगों के गैजेट्स में छुपा दिया था, और जब मैं उनसे मिला तो मुझे उनका आइडिया अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये सब गैजेट्स चुराए। तब जियान उससे पूछता है कि फिक्स अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है फिर, जिस पर क्रूज बताता है कि वो ऐसे अपने पैसों की वजह से कर रहा है। उन्होंने आज से कुछ दिन पहले बहुत प्रॉफिट कमाया था, पर जब उन्हें पता चलता है कि ड्यूलक्स चोरी कर रहा है तो उन्होंने अपनी कमाई चोरी न हो जाए इसलिए ग्रास फिश को पिगी बैंक बनाकर उसमें छुपा दिया और उस फिश को पहले जैसा कर दिया। पर जिसके थोड़ी देर बाद वो अपने रूम में वापस आए तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ मल्टीपल लाइट्स होने की वजह से वहाँ बहुत सारी सेम फिश हो गई थी, जिसमें से किसी एक फिश के पेट में उनकी सैलरी थी, इसलिए बाद में उन्होंने एक एक करके सब फिश को चेक कर डाला। दूसरी तरफ फिक्स भी ऑफिसर को सेम बात बताता है और ऑफिसर उसका डेबिट कार्ड ढूंढ कर देता है। तभी कुरुत ये बोलकर भाग जाता है कि मैं पेपुरा का मिशन फेल नहीं कर सकता। तब जियान और सुनियो छोटे होने के कारण आगे जाने वाले डोर में घुस जाते हैं, पर बाकी सब दूसरी तरफ ही रह जाते हैं। तभी जियान को वहाँ एक टूटी हुई बिग लाइट मिलती है जिसे देखकर सुनियो किसी तरह से उसे सही कर देता है और वो दोनों फिर से बड़े होकर गेट भी खोल देते हैं। इसके बाद वो पेपुरा के पास पहुँचते हैं। तब पेपुरा डोरेमोन की बैल दो हिस्सों में तोड़ देता है और उसकी चिप निकाल कर अपना प्रोजेक्ट चालू कर देता है, पर उसका एक्सपेरिमेंट फिर से फेल हो जाता है और जिस वजह से सारा हरुटोमन मेटल गायब हो जाता है और साथ ही वो रोबोट भी फ्री हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो सनबिया फिर से ऑन हो जाता है और वहाँ पर तबाही मचाने लगता है, जिसे देखकर सब बहुत मेहनत करने लगते हैं कि उसे रोका जाए, और लास्ट में बहुत मेहनत करने के बाद डोरेमोन गार्ड रोबोट को हराता है। और इसके बाद नोबिता पोपेन से सन को ऑब्जॉर्व करने को बोलता है और पोपेन उसे एब्जॉर्व करके थोड़ी मुश्किल के बाद बचा लेता है और सब सही हो जाता है, जिसके बाद डोरेमोन अपनी रिजर्व लाइट से सभी चीजें वापस ले आता है और लास्ट में नोबिता को डोरेमोन की बेल का एक हिस्सा मिलता है और उसे भी सब याद आ जाता है, जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता इमोशनल होकर बेल सही करते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट कर जरूर बताना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।